करके हम चले हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें विश्व के सारे बेंचमार्क की बराबरी पे जाना है। आदरणीय सभापति जी, जितना निवेश भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ है वो इतना पहले कभी नहीं हुआ है और जिसका लाभ आज देशवासी देख रहे हैं। देश में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं, उसको विस्तार हो, उसको एक नए रूप रंग मिले, आधुनिक भारत की आवश्यकताओं के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हो और उसके आधार पर इंडस्ट्री 4.0 में भी भारत लीडर के रूप में उभरे और हमारे नौजवानों का भविष्य भी संवरे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एक स्टडी है कि पिछले 18 साल में, ये स्टडी बड़ा महत्वपूर्ण है, यह अध्ययन कहता है कि पिछले 18 साल में प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन में आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। 18 साल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। आदरणीय सभापति जी, आज भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में एक उदाहरण बना है। विश्व के लोग, मैं G20 समूह में जब भी गया, भारत की डिजिटल इंडिया मूवमेंट को लेकर के, डिजिटल पेमेंट को लेकर के विश्व के समृद्ध देशों को भी अचरज होता है और बड़ी जिज्ञासा के साथ हमें सवाल पूछते हैं। ये भारत की सफलता की बहुत बड़ी कहानी है। माननीय सदस्य प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। आदरणीय सभापति जी, जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, स्वाभाविक है प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है और चुनौतियां भी बढ़ रही है। जिन्हें भारत की प्रगति से दिक्कत है, जो भारत की प्रगति को चुनौती के रूप में देखते हैं, वो गलत हथकंडे भी अपना रहे हैं। ये ताकतें भारत की डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी पर हमला कर रही है और ये चिंता सिर्फ मेरी नहीं है, ये चिंता सिर्फ सरकार की नहीं है, ये चिंता सिर्फ ट्रेजरी बेंच की नहीं है। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक सबको इन बातों से चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो कोर्ट मैं आज सदन के सामने रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए भी कैसे कैसे संकट आने की संभावनाएं दिख रही है, इसकी तरफ इशारा करता है। आदरणीय सभापति जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बड़ी गंभीरता पूर्वक कहा है और मैं कोट पढ़ता हूं, ऐसा लगता है इस महान देश की प्रगति पर, ऐसा लगता है कि इस महान देश की प्रगति पर संदेह प्रकट करने
उसे कम करने और हर संभव मोर्चे पर उसे कमजोर करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात पढ़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट आगे कह रही है, इस तरह के किसी भी प्रयत्न या प्रयास को आरंभ में ही रोक दिया जाना चाहिए। देश की सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट है। आदरणीय सभापति जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो भावना व्यक्त की है, इस पर हम यहां वाले या वहां वाले सदन में हैं, उन्होंने सदन के बाहर उन्होंने सबको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आदरणीय सभापति जी, भारत में भी कुछ लोग हैं जो ऐसी ताकतों की मदद कर रहे हैं, देशवासियों को ऐसी ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत है। आदरणीय सभापति जी, 2014 में सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। ये इकोसिस्टम से मिली खाद पानी, इसके दम पर ये कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा